अस्सलाम वालेकुम। तो घर पे सबका पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कहा आज बाहर से पिज़्ज़ा नहीं आएगा, आज पिज़्ज़ा मैं बनाती हूँ। तो बस वही पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आटा गूंद रही हूँ, उसके लिए 2 कप मैदे में मैं डाल रही हूँ नमक और 1 टेबलस्पून शक्कर। इतना मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी ओरिगैनो 1 टेबलस्पून, इससे इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है डो का। उसी के साथ डाल रही हूँ मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून। वो डालने के बाद मैं इसमें जो यीस्ट यूज़ कर रही हूँ वो इंस्टेंट यीस्ट है, तो इसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये डालकर बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो आप अगर एक्टिव लोगे तो उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उससे बेटर है इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करो, ताकि उसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें डाल रही हूँ ऑयल 2 टेबलस्पून, और एक अंडा लिया है मैंने, उसको अच्छे से फेंट कर एक अंडा भी इसमें शामिल कर दूंगी, और फिर हम इसका डो गूंदना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे स्पून से मिक्स कर रही थी, अच्छे से मिक्स कर लूँ, जब थोड़ा क्रम्बल हो जाता है उसके बाद मैंने इसको गूंदना स्टार्ट की थी। तो इसको हल्के गर्म दूध से इसको गूंदना है, लुक वॉर्म होना चाहिए, बस उसे डालते जितना ज़रूरत होगी उतना डालते हुए इसका आटा गूंदना है। इसका नरम आटा बनाना है, तो जितना आपको दूध लगता है इसके लिए उतना ही यूज़ करना, बाकी हम एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करेंगे, बस डो सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तो इसको अच्छे से गूंदते हुए मैंने आराम से अच्छे से गूंद ली थी, ताकि इसका अच्छा सॉफ्ट हो जाए, और फिर हम इसको रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम साइड में रख दें। अब इसको ऊपर से ऑयल लगाकर थोड़ा सा अच्छे से मसल के इसको कवर करके रख देंगे साइड में, जब तक हम चलते हैं चिकन की तैयारी करने के लिए जो हमें पिज़्ज़ा में डालना है। तो चिकन मैंने यहाँ पर 300 से 350 ग्राम जितना ली थी, बोनलेस पीस है, उसमें डाल दी थी नमक। नमक के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिरी 1/2 टीस्पून और पेपरिका 1/2 टीस्पून। पेपरिका नहीं है तो लाल मिर्च चलेगी, बट पेपरिका बेटर है। चिली सॉस डालूंगी 1 टेबलस्पून जितना। उसके बाद इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, बस इतना ही मैरिनेशन हम इसमें डालेंगे, और फिर हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके, मैं इसमें कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, मेरे पास फ़िलहाल रेड कलर नहीं था तो सैफ्रन कलर है, वो इसमें डालकर मिक्स कर रही हूँ। आपको जो डालना है आप वो डालकर बस इसको पैन में हम पका के ले लेंगे। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाली थी और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस इसको पूरा पक जाने तक हमें इसको पकाना है। आपको एकदम ब्राइट रेड चाहिए तो ब्राइट रेड डालो, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसको यही डाल दी। अब यहाँ पर चिकन रेडी हो चुका है, डो हमारा सेट होकर टाइम हो चुका है, तो अब डो को भी देख लेते हैं। बस इतना अच्छे से राइज हो गया तो हमारा डो हो चुका है रेडी। राइज नहीं हो रहा है तो थोड़ा वार्म जगह पे रखना, गैस के पास रखना या ओवन के पास रखना, ताकि वो गर्मी से जल्दी राइज हो जाएगा इंशाल्लाह। बस यहाँ पर डो हो चुका है, थोड़ा सा इसको और मसल देना अच्छे से, बस फिर हम चलेंगे इसको डायरेक्ट पैन में तैयार करने के लिए। तो मैं इसको गैस पे बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बेकिंग की डिश ली थी, ट्रे ली थी, उसमें मैं इसका आधा जो आटा है, आधा जो डो है, उसको स्प्रेड कर रही हूँ इस तरीके से कि साइड में थोड़ा सा मोटा मोटा रहे, मतलब जैसे साइड में उसका फोल्ड अच्छा रहे और सेंटर से फ्लैट रहे। तो मैं इसको बेल नहीं रही हूँ, बस मैं इसको हाथ से ही उसका डिश का शेप दे रही हूँ। आप लोगों के पास भी अगर यही सेम डिश है तो इस तरीके से कर सकते हो, साइड में चाहिए तो चीज़ भी लगा सकते हो। मैं बस इसको इतना शार्प एज कर रही हूँ कॉर्नर से, और फ्रंट से जो सेंटर से मैं इसको फ्लैट रख चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी अभी। ये हमारा शेजवान सॉस है होममेड, और चिकन है और वेजीज़ है। तो सबसे पहले फोक लेकर इसको प्रिक करना है, वो इसलिए कि ये रोटी के जैसे फुल नहीं जाए, फ्लैट रहे, बैठा रहे, इसके लिए इसको फोक से प्रिक कर देंगे। उसके बाद ये होममेड शेजवान चटनी है जो मैं शॉर्ट्स में रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। शेजवान चटनी है लेकिन इसमें डालो पिज़्ज़ा सॉस का भी काम करेगा, ऑल इन वन है हमारा ये शेजवान चटनी। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोजरेला चीज़, जितना डालना है डालो, जितना अच्छा डालोगे उतना बेटर टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी शिमला मिर्ची और कुछ प्याज, उसके साथ ही मैं इसमें डाल दी थी चिकन जो हमने पका के रखा हुआ था। तो बस इतनी ही चीज़ डाल रही हूँ मैं, और कुछ भी कॉर्न वॉर्न कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ इसके ऊपर, बस डालूँगी चीज़ डालने वाली हूँ, मोजरेला चीज़ है, जितना अमाउंट में चाहिए चीज़ डालो, जितना डालोगे उतना बेटर है। तो अब जब घर पर ही इतना अच्छा पिज़्ज़ा बन रहा है तो बाहर के पिज़्ज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अभी। तो बस यहाँ पर अच्छी अमाउंट में चीज़ डालना है, ऊपर से थोड़ा सा ओरिगैनो या चिली फ्लेक्स जो डालना है डालो। तवा मैंने पहले से गर्म कर चुकी थी, अच्छा तवा गर्म हो चुका था, उसके ऊपर मैंने ये बेकिंग ट्रे रख दी थी, उसके ऊपर जिसमें हम आटा गूंथते हैं वो मैं उल्टा करके रख रही हूँ, ताकि अंदर हीट बहुत अच्छे से जनरेट हो जाए।
बस यहाँ पर जैसे हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बन के आया था। मैंने इसको लो फ्लेम पे बनाई थी, लो फ्लेम पर बनाना, बस इसका आराम से जो हीट आती रहेगी उससे सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी, हमारा डो राइज हो जाएगा और इतना अच्छा माशाल्लाह पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा। इसमें इंशाल्लाह आपके दो रेडी हो जाएंगे, दो नॉर्मल साइज़ के रेडी हो जाएंगे। आप ट्राई करना, रेसिपी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।